मेरा हाथ अचानक इन्ना क्यों दर्द हो रहा है? मैं दृष्टि नूं सांभलांगी। ये अचानक मेरी नस ते नस कित्ता चढ़ गई ते जे मैं दृष्टि नूं चुक ना सकी तां मैं रसम कित्ता पूरी करांगी। फिर तो एक बच्चा नहीं सांभिया जा रहा, कितना टाइम होर लेंगी? देने आखिर तुसी मेरी सुनी ली, मैं जान गया वा यह तुहाडा ही चमत्कार है जिहड़ा जैसमिन दृष्टि नूं चुक नहीं पा रही। अच्छा तां तेरी शरारत सी। ए जैसमिन नूं होया की है? वो एक्चुअली ना मेरे हाथ ते सट लगी है, सो मैं रसम नहीं कर सकती। ये रसम तू ही पूरी कर लेना है। मैनू लगे सी कि सट ठीक हो गई है, पर हुण लगता है कि मैनू दोबारा दवाई लानी पएगी। देखा नहीं जेड़ा किसी चंगे बंदे नाल बुरा करन बारे सोचता है ना, रब उन्हूं आप सजा दे देंदा है। किदा पूजा च तेरा हक लै रही सी, चलेगी ना हुण मिंटा च अंदर। ऐ ते ना जिद्दां माता रानी दी ही मर्जी सी, इदां लगदा है जिवें दृष्टि भी यही चाहती है कि यह अनाज खुआन की रस्म नयन दे हत्थों पूरी होए। चलो जल्दी करो, रसम का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। सब तो पहला मावां बच्चियां नूं टब विच नहाउणगियां।
बच्चियां दे मां बाप हुन बच्चियां नू अन्न खवाणगे। जिस वेले दृष्टि ने रीटा नूं हाथ ला दिता तां बड़ा वधिया हो जाएगा। मम्मा चाची जी तुसीं दोवें घर दे वड्डे हो, तुसीं भी बच्चियां नूं खाओ ना। अनिका और शिवराज इस खानदान का खून है, इसलिए पहला मैं उन्होंने दोवां नूं खिलावांगी फिर दृष्टि नूं। कोई गल नहीं, जे दृष्टि ने चाहिया तो रीटा दे हाथ लाने ही उदा हाथ साड़ देगी। रीटा बाहर भी नहीं जा सकेगी तो उन्हें गोली मारन वाले का प्लान भी फेल हो जाएगा। मैं चाहता कि रीटा अपने हाथ ना दृष्टि नूं राइस खवाए। इन्हें तो पहले ही मुंह खोल लिया।
बेटा इतनी हैरान क्यों लग रही है? की गल है? ये सब ए रीटा पर जाई दृष्टि नु खवा क्यों नहीं रहे? की गल मम्मा, तुसी इन्हें हैरान क्यों लग रहे हो? ते स्पून ओदे मुंह च क्यों नहीं पा रहे? ए दृष्टि कौन है? रीटा इतना क्यों पूछ रही है? इतना था कि हो गया चढ़ी है, एकदम तो इतनी शॉक्ड होगी। थोड़े कहने का मतलब है कि दृष्टि कौन? इधर मुंह अंदर मैंने शक्तियां नजर आई हैं। जिन्हों देख के मेरी अख भी ठीक हो गई। एदी जीव उत्ते शक्तियां विराजमान है। इसे लिए पूछ रही हूं दिवांश, बोले बच्ची कौन है? दसे बच्चे कौन है? दृष्टि रीटा दे दिमाग ना खेड़ रही है। पहले ने रीटा दी अख खराब की थी। कितने सब तरीके ना दृष्टि रीटा नू डराना तो नहीं चाहती, पर जे सब करके रीटा समझ गई कि दृष्टि ही मेरी ते नयन दी है, तो रीटा दृष्टि की जान की दुश्मन बन जाएगी। रौला पैजे, ये किदा हो सकता है? मैनू तो लगता है तुहाडे अख दे नाल नाल ना तुहाडा दिमाग भी खराब हो गया है। लगता है राती चज नाल सुते नहीं तुसी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं जो कह रही हाँ बिल्कुल सही कह रही हाँ। मेरी अख दृष्टि दे मुँह देखते ही ठीक हो गई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਯਨ ਤੇ ਦਿਵਾਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਹੈ? इसे लिए दिवांश नूं घर च लैके आण लई इन्ना तड़फ रहा सी। उन्हें तांत्रिक किथे रह गया? आया क्यों नहीं हजे तक? किथे रह गया है? बाबा जी आ गए? तुसी सही जगह ते कांटे दा निशान बनाया। चल मैं अपनी तैयारी कर लेना। हाँ हाँ करो तुसी। बाबा जी ये तुसी कांटे दे आले दुआले चाकू नाल लाइन क्यों बना दित्ती है?
लगता है सवाल पूछ के गलती कर ली। होने मेनू पक्का गल्ला सुनाएगा। ये जगह कोई आम जगह नहीं है। इस जमीन के थले एक तड़पती हुई आत्मा का शरीर दबिया हुआ है। बस एक बार इस जगह की बेटी से निवास का खून रल जाए, फिर वह प्रेत आत्मा निवास के शरीर की खुशबू का पिछा कर दिया और शरीर आप प्रवेश कर जाएगी। फिर इस सफेद कांटे का निशान अपने आप लाल निशान च बदल जाएगा। सूरज ढलन तो बाद दिवांश नू इत्थे पहुंचना ही पवेगा। की है रीटा, दिवांश नू इत्थे लैके आ सकूगी? हाँ हाँ, जरूर लैके आ सकनगे। याद रहे, जे कम अज ना होया तां तानू अगली अमावस तक इंतजार करना पौगा। अगली अमावस तक इन्ना टाइम कितने साढ़े कोल? मम्मी जी पक्का झूठ बोल रहे ने। वो सिर्फ ये साबित करना चाहते ने कि दृष्टि साधारण नहीं है, इसलिए वो इस सारियां कहानियां बना रहे हैं। मम्मा थोड़ा फोन आ रहा है। बाबा जी का फोन? हेलो, याद रहे, जे टाइम निकल गया तो असीं फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सही टाइम से लाश से खून की गूंज इस जगह से निकलनी बहुत जरूरी है। ते ताइयो शैतानी प्रेत आत्मा जागेगी। जो तेनू समझ आया है तू कदे भुल के नहीं जावेगी। तंत्र विद्या दे नाल सब कुछ हो सकता है। तो आत्मा नयन नू आप विश्वास दवाओगी कि दिवांश उन्नू प्यार नहीं करता, ते जद जद नयन प्यार रोकने की कोशिश करूगी ते उन्नू सामने खड़ा दिवांश ही नजर आऊगा जिहड़ा इस ब्याह दे हक च होगा। ते सारा कर दिवांश दे खिलाफ हो जाऊगा ते जैसमीन दिवांश दी हो जाऊगी। तैनू दिवांश नू मजबूर करना पौगा कि वह मेरी दसी हुई जगह ते जाके उस मिट्टी ते अपने खून की बूंद सुटे। एक बार दिवांश का खून उस मिट्टी में प्रवेश कर गया था ते ओ आत्मा दिवांश के शरीर की खुशबू नू लभदे लभदे उहदे विच आप प्रवास कर जाएगी। हाँ जी बाबा जी, मैनू सब याद है। हर घर दे विच एक अजीब जी घटना घटी है। की? मैनू लगदा है शायद मैनू नयन दी टीम लभ गई।